आज के वीडियो में अपन कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे और ये सारे के सारे पॉइंट्स ऐड ऑफ फोर्स मोड पे होने वाले हैं। अगर आप लोग पबजी एंड बीजीएमआई के टिप्स एंड ट्रिक्स ग्लिच और मिथ्स वाली वीडियो देखना पसंद करते हो तो फिर आप लोग आईएनडी अमोल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यार सब्सक्राइब करो चाहे मत करो यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लो यार, अभी तक बस 2000 फॉलोअर्स है यार, 5000 तो करवा ही दो। खैर अपन ये वीडियो शुरू करते हैं। अपन हर बार की तरह फर्स्ट पॉइंट में लॉबी की बात करेंगे। जो आपका सैड ऑफ फोर्स मोड का लॉबी है ना, वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो यार ये वाली जो वेटिंग लॉबी है, इसके अंदर जो भी आपको मटेरियल दिखाया गया है, ये एरेंगल मैप में भी आपको दिखेगा, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एंड यहाँ पे भाई कुछ जिप लाइंस एड कर दी गई है, जिसका यूज करके आप ऊपर नीचे आगे पीछे जा सकते हो। तो यहाँ पे यार आप लोग थोड़ी बहुत उछल कूद कर ही सकते हो। एंड जैसे ही आपका 8 सेकंड होगा ना, तो फिर आपको गैदरिंग वाला एनिमेशन आ जाएगा और ये सेकंड्स खत्म होते ही आपका प्लेन उड़ जाएगा। तो चलो यार अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में अपन सैड ऑफ फोर्स मोड के रिकॉल सिस्टम को समझेंगे कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा इस मोड के अंदर रिकॉल हो सकते हो। और ये जो रिकॉल वाला सिस्टम है ना, थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आप लोग समझ जाओगे, तो मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। अब समझ लो आपका प्लेन उड़ गया है, आप लोग प्लेन में बैठे हो, ठीक है। फिर आप लोग अपना मैप खोलो और मैप के अंदर ये जो 3 लोकेशन दिख रही है ना, ये तो इवेंट है, यहाँ पे जाओगे तो आपको रिकॉल कार्ड मिलेगा। बट आप वहां पे ना जाके कहीं पे भी ऐसे ही रैंडम एरेंगल मैप में लैंड कर देते हो, ठीक है। तो अभी वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं ना, तो फिर लैंडिंग में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे अपनी परफेक्ट लैंडिंग हो चुकी है। एंड अब फंडा समझो भाई, अगर आप लोग एरेंगल मैप में किसी भी लोकेशन पे लैंड करते हो और 8 मिनट के अंदर किसी एनिमी से मर जाते हो, तो यहाँ पे देखो एक एनिमी आ गया और उसने मेरे को नॉक डाला और ये फिनिश डाल दिया। और जैसे ही वो फिनिश डालेगा तो आपका एक काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, 3, 2, 1, और ये काउंटडाउन खत्म होते ही आप रिस्पॉन हो जाओगे एक छोटे से आइलैंड पे, जो कि मिलिट्री बेस के नीचे साइड है। तो इस आइलैंड पे उसी बंदे को फेंका जाता है जो लैंड करते ही, मतलब मेन आइलैंड पे लैंड करते ही 8 मिनट के अंदर मर गया ना, तो उसी बंदे को इस छोटे से आइलैंड पे फेंक दिया जाएगा। अब भाई ये हो गई आपकी सेकेंड लाइफ, समझ रहे हो। पहला आप सेवर्नी में मरे, ठीक है, दूसरा आप इस छोटे से आइलैंड पे आ गए, ठीक है। अब भाई जैसे जैसे 8 मिनट के अंदर बंदे मरते रहेंगे ना मेन आइलैंड पे, उन सारे बंदों को इस छोटे वाले आइलैंड पे फेंक दिया जाएगा एक एक करके। तो ऊपर देखो मैप में लिख के आ रहा है प्लेयर इन एरिया की 2, तो फिर अभी एक बंदा आ गया है। अब भाई इस छोटे से आइलैंड का कुछ रूल है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहला कि आप टाइम देख लो, ऊपर एक सेंटर में टाइम चल रहा है जो कि कम होता जा रहा है। तो यार इस आइलैंड पे सर्वाइव करने के लिए बस आपके पास इतना ही टाइम है, बस आप इतने टाइम में एग्जिट हो जाओ ना तो मारे जाओगे, समझ रहे हो। तो फिर एग्जिट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो आपको ऊपर टाइम दिख रहा है ना, तो 7.5 मिनट पे एक एग्जिट पॉइंट तैयार होता है। तो ऐसे कुछ इस मैप में 3 एग्जिट पॉइंट तैयार होते हैं, कुछ 5.5 मिनट पे और एक 3.5 मिनट पे, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो जैसे ही अभी देखो 7.5 मिनट होगा ना, तो एक एग्जिट पॉइंट क्रिएट होगा। तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, देखो ये एग्जिट पॉइंट आ गया, देख रहे हो। तो इसको भी अभी 30 सेकंड लगेगा खुलने में। तो इस एग्जिट पॉइंट की तरफ चलते हैं एंड वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब भाई यहाँ पे एग्जिट पॉइंट क्रिएट होने के लिए बस 2 सेकंड बाकी है और ये देख लो भाई एग्जिट पॉइंट क्रिएट हो गया है। तो ये जो एग्जिट पॉइंट की लोकेशन है ना, वो हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। तो जब इसके अंदर आप जाओगे और बैक दबाओगे ना, तो फिर आप लोग मेन आइलैंड पे ट्रांसफर हो जाओगे, समझ रहे हो। जो अपना मेन आइलैंड बोले तो यही पोचिंकी वाला, समझ रहे हो ना। यहाँ पे आप ट्रांसफर हो जाओगे प्लेन के थ्रू, ठीक है। अब समझ लो आप लोग इस छोटे वाले आइलैंड पे सरवाइव नहीं कर गए, ठीक है, मतलब कोई एनिमी आपको मार दिया, मतलब आपकी अब सेकेंड लाइफ खत्म हो चुकी है। अब भैया आपको आपका टीममेट रिकॉल करेगा। आपका टीममेट अगर मेन आइलैंड पे है ना, तो फिर आपको उसको बोलना है कि भैया रिकॉल टावर पे जाए और आपको रिकॉल करे, क्योंकि आपके नाम के आगे देखो वो हर्ट का निशान आ रहा है, वहां पे 1 लिख के आ रहा है। तो अब वो जैसे ही आपको रिकॉल देगा, तो ये हो गई आपकी तीसरी लाइफ। पहला आप सेवर्नी में मरे, दूसरा आप आइलैंड पे मरे, और ये आप तीसरी लाइफ लेके आ गए हो पोचिंग की। तो ऐसे करके आपको 3 लाइफ्स मिलेगी, ठीक है ना। अब भाई अब मर गए ना, तो फिर आप नहीं रिकॉल होगे, क्योंकि आपका बस हो गया 3 लाइफ। और ये देख लो आपके नाम के आगे जो हर्ट है उसका जो कलर है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है, तो अब नहीं रिकॉल होने वाले, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे रिकॉल वाला फंडा कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर नहीं समझाया तो फिर जब गेम आएगा ना, तो फिर आप समझ ही जाओगे, ठीक है। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब भाई फटाफट से बात कर लेते हैं कि जो मैप में 3 इवेंट ऐड हुए हैं वहां पे क्या है। तो एक जॉर्जो पुल में ऐड हुआ है, एक याजना पोलियाना में ऐड हुआ है और एक प्रिजन में ऐड हुआ है। तो यार एक एक करके मैं आपको तीनों लोकेशन तो नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि यार ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो अपन याजना पोलियाना लैंड करेंगे और वहां का जो स्ट्रक्चर है ना बिल्डिंग का, वैसे ही सेम दोनों जगह आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो चलो फटाफट से याजना पोलियाना लैंड करते हैं और आपको बताते हैं कि वहां पे क्या है। तो आप जब भी यार तीनों इवेंट प्लेस में से किसी भी इवेंट प्लेस पे लैंड करोगे ना, तो फिर आपके बैग में
रिस्पॉन कार्ड ऐड हो जाएगा ताकि आप यहाँ पे मरो तो फिर आपको अपने दोस्त की जरूरत ना पड़े रिकॉल होने के लिए, ठीक है। और ये आजू बाजू का नज़ारा देख लो कि यहाँ पे कुछ फ्यूचरिस्टिक कंटेनर्स वंटेनर्स ऐड कर दिए हैं, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि भाई अपन फ्यूचर में आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपन ने वेटिंग लॉबी में वो जिप लाइन वगैरह नहीं देखी थी, यहाँ पे भी ऐड कर दी गई है, मतलब कि आप यहाँ से वहाँ जा सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक जिप लाइन है, इसे यूज़ करते हैं तो फिर आप ऊपर जाओगे और ऊपर लूट उट पड़ी होगी तो उसको उठा लेना एंड एनिमी को ट्रिक लगा के मारने में काफ़ी मज़ा आएगा ये जिप लाइन का यूज़ करके। और ये जो जिप लाइन है एक समय के लिए आई है, जो मतलब जब तक ये इवेंट रहेगा तभी तक ये जिप लाइन वगैरह रहेगी और फिर बाद में गेम में सो तो ये जिप लाइन वगैरह हट जाएगी, ठीक है ना। तो यार ये तीनों प्लेस पे ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है, आई होप आप लोग समझ गए होगा। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब भी आप लोग इवेंट पे आओगे तो एक वेयर हाउस आपको लॉक दिखेगा और आप इवेंट वाली प्लेस पे ऐसी लूट उट करते रहोगे तो आपको मिलेगा सप्लाई वेयर हाउस सीक्रेट की। ये आपके बैग में आ जाएगा जब आप इसको उठाओगे, तो फिर आपको इसके क्लिक करके यूज करना है। जैसे आप यूज करोगे ना तो जो सामने वाला वेयर हाउस है वो अनलॉक होना चालू हो जाएगा। तो यार आप लोग इस वेयर हाउस को इस की से अनलॉक कर सकते हो और भाई इस वेयर हाउस के अंदर ना भाई बहुत ही खतरनाक खतरनाक लूट होती है, ठीक है। फटाफट से आपको चल के एक बार लूट दिखा देता हूँ कि क्या क्या लूट रहने वाली है। वेयर हाउस का नीचे वाला दरवाजा खोलोगे तो आपको सामने की तरफ एक पेटी दिख जाएगी, इसे ओपन होने के लिए कुछ 5 सेकंड लगेंगे और ये जैसे ही ओपन होगा ना तो फिर आप लूट देखना भाई। ये बात देखो भाई, आने दो और ये देखो भाई, बस एक वेयर हाउस खोल के आप इतनी सारी लूट कर सकते हो, समझ रहे हो। तो यार जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आपने इस वेयर हाउस को एक की के थ्रू ओपन करा, तो यार इस वेयर हाउस को खोलने का एक और तरीका है विदाउट की, तो आओ जान लेते हैं। अब भाई सबसे पहले तो आपको इस वेयर हाउस से बंधी हुई एक रस्सी दिखेगी, तो आपको उस रस्सी को पकड़ के आ जाना है इस जिप लाइन पॉइंट पे और ये जो आपकी जिप लाइन है इसको पकड़ के आपको वेयर हाउस के ऊपर चढ़ जाना है। तो फटाफट से चढ़ते हैं एंड अब यहां पे भाई ध्यान से देखना, ठीक है ना। इस वेयर हाउस से कुछ 4 रस्सियां बंधी हुई है, ठीक है। तो ये देखो एक यहाँ पे बंदी है, ठीक है, और एक अपन पकड़ के आए ये वाली, ठीक है, और ऐसी 4 है, ठीक है ना, 2 हो गई और ये देखो ये तीसरी, ये देखो यहाँ से स्ट्रेट जा रही है सामने की तरफ, ये बात ठीक है, और एक और चौथी भी है ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 रस्सियां है जिप पॉइंट से अटैच है। तो अब क्या करना है, ये जो आपका रस्सी है ना जो जिप लाइन से अटैच है इसको तोड़ना है, तो आपको यहाँ पे फायर देना है और ये रस्सी टूट जाएगी। तो देख लो पहली वाली रस्सी ब्रेक हो गई है, अब सेकेंड वाली रस्सी अपन तोड़ते हैं। तो प्रोन हो जाता हूँ क्योंकि यार रिकॉइल बहुत दे रहा है मेरा, ये झुकान है क्योंकि कुछ भी सेट नहीं कराया मैंने इसलिए। तो यहाँ पे 2 रस्सी टूट गई है, तो अब तीसरी वाली रस्सी तोड़ देते हैं जो अपन पकड़ के आए थे जो रस्सी, ठीक है। तो यार ये जिप लाइन तोड़ने से पहले ना ध्यान देना, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंप होने वाला है, आप मारे जाओगे, ठीक है ना। तो फिर ये ध्यान जरूर देना, ठीक है। तो ये देखो ये चौथा भी अपन ने तोड़ दिया, तो अब वेयर हाउस अनलॉक होना चालू हो गया है और मैं बिल्कुल हवा में हूँ, देख रहे हो, मतलब हवा में भाग पा रहा हूँ। तो यार ये जो वेयर हाउस का ओपन वाला एनिमेशन है ना, ये जैसे ही 5-10 सेकंड बाद ख़त्म होगा तो अपन नीचे गिर जाएंगे, तो गिर गए देखो। और फिर यहाँ से आप लूट उट कर सकते हो, वेयर हाउस अनलॉक हो चुका है और वही सेम चीज़ जैसे ही आप डोर ओपन करोगे तो वो छोटी वाली पेटी आपको देखने को मिलेगी, ये ओपन करोगे तो भाई अनलिमिटेड लूट, समझ गए। तो आई होप आप लोग ये चीज़ भी समझ गए होंगे। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एरेंगल मैप में ऐसी घर वर लूट करते रहोगे तो फिर आपको एक शैडो ब्लेड नाम की तलवार मिलेगी, इसको आपको पिकअप कर लेना है। जहां से आप नेटवर्ड सिलेक्ट करते हो वहीं से आप इस तलवार को पकड़ सकते हो और फिर जब आप इस तलवार को ऐसे पकड़ के भगोगे ना और फिर कोई एनिमी आपको गोली मारता है तो ये तलवार उन गोलियों को रोक लेगी। तो देख लो सामने का बंदा एक ही हमका एक स्प्रे मार रहा है और ये देखो भाई मैं तलवार से गोलियों को रोक पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात को समझो कि यार ये तलवार गोलियों को कब रोकेगी, तो ये देख लो सेंटर में एक रिफिल हो रहा है, यहाँ पे ये तलवार का जो काउंटडाउन है वो रिफिल हो रहा है। तो देखो जैसे ही रिफिल होगा तो वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, तो रेड से देखो वो व्हाइट हो गया है, मतलब कि अब ये तलवार गोलियों को रोकने के लिए रेडी है। तो अब देखो एक एनिमी स्नाइपर लेके आया और वो जैसे ही मेरे को गोली मारेगा ना तो भाई तलवार रोक देगी, उसको ऑटो रोक देगी, मेरे को कुछ बटन भी नहीं दबाना है। तो गोलियों को रोकने का फंडा बस इतना ही है कि ये तलवार आपके हाथ में होनी चाहिए और ये जो आपका इसका तलवार का शील्ड वाला बार है वो फुल होना चाहिए और फिर आप तलवार हाथ में लेके भाग रहे हो और कोई गोली मारता है ना तो यार वो तलवार उन गोलियों को रोक लेगी, ठीक है। तो इसी
वार के साथ आपको एक और एबिलिटी मिल जाती है डैश वाली। यहाँ पे एक बटन है डैश वाला, तो आप इसको अगर क्लिक करते हो ना तो आप डैश मार के आगे जाओगे, मतलब एकदम स्पीड में आगे जाओगे। तो एक बार आप डैश यूज करते हो तो जो उसका काउंटडाउन है वो 9 सेकंड का रहता है, ठीक है। तो ये जैसे ही 9 सेकंड का काउंटडाउन खत्म होगा तो वापस से आप ये डैश वाला एबिलिटी यूज कर पाओगे, ठीक है। तो यार इस तलवार के साथ एक और मस्त सी चीज देखने को मिल जाती है कि अगर कोई एनिमी आपसे 10 मीटर की दूरी पे है, तो अभी 15 मीटर पे है तो यार इसको 10 मीटर कर लेते हैं, ठीक है। और फिर अब आप 10 मीटर की दूरी पे रहकर तलवार चलाते हो ना, तो जो उसकी चिंगारी है, जो उसका फ्लैश है, उससे भी एनिमी को डैमेज होने वाला है यहाँ पे। तो ये देखो भाई, थोड़ा सा नजदीक आ जाते हैं और उसको उस तलवार की चिंगारी से डैमेज देके मार देते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इस फ्लैश से ये मर गया है, मतलब दूर से मार दिया हूं इसको, समझ रहे हो। तो यार ये तलवार का डैमेज काफी खतरनाक होने वाला है, तो आप इस तलवार को यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। तो मैंने तीनों एबिलिटी आपको बता दी है इस तलवार की। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गेम में ऐसे लूट उट कर रहोगे तो फिर आपको एक मिलेगा स्काई ट्रेडर हुक, और भाई इसको पिकअप कर लेना है। एंड जहां से आप नेटवर्ड सिलेक्ट करते हो वहीं से इसको आप हाथ में पकड़ सकते हो और ये बैग में आपके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी ग्रैपलिंग हुक की तरह है, तो आप इसका यूज एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए कर सकते हो। बस हुक को यूज करो, आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे चले जाओगे। और भाई इस हुक का एक और कमाल का चीज है, मतलब एक और फीचर है, अगर आप इस हुक को दो बार यूज करते हो, मतलब एक बार दबा के और एक और बार दबाओगे ना, तो फिर ये आपका ग्लाइडर खोल लेगा। ये हुक के अंदर ही ग्लाइडर है, मतलब 2-in-1 ये हुक है, समझ रहे हो। तो अगर नहीं समझ रहे हो तो एक बार वापस से आपको समझा देता हूँ। तो इस हुक का काउंटडाउन 5 सेकंड का है, जैसे ही 5 सेकंड का काउंटडाउन खत्म होगा तो आप हुक को एक बार दबाओगे तो ये बस हुक यूज करेगा, ठीक है ना। और फिर आप जब इसको दो बार दबाओगे तो ये ग्लाइडर यूज कर लेगा। तो ये देखो, ये एक बार दबाया और एक और बार दबा दिया, तो यार इस ग्रैपलिंग हुक को अगर डबल टैप करोगे तो ये अपना ग्लाइडर खोलेगा, और सिंगल टैप करोगे तो यार ये बस हुक यूज करेगा। तो एक बार मैं इस बिल्डिंग पे आपको जाके दिखा देता हूँ। तो देखो ये सिंगल टैप और ये एक और टैप, तो ये देखो इसने ग्लाइडर खोल लिया और आप ग्लाइडर से उड़ के किसी भी बिल्डिंग पे चढ़ सकते हो, समझ रहे हो। तो आई होप आप लोग इस स्काई ट्रेडर हुक के बारे में भी समझ गए होगे। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप गेम में ऐसे लूट उट कर रहे होगे तो फिर आपको मिलेगा एक प्रॉक्सी स्काउट डिवाइस, इसको यार आपको उठा लेना है। और उसको उठाने के बाद ना आपको भाई कवर में चले जाना है, और फिर कवर में जाने के बाद आपको ये डिवाइस फेंकना है। और ये जैसे ही आप फेंकोगे तो आपका एक क्लोन तैयार हो जाएगा, मतलब कि आपका एक डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा, और आपका ओरिजिनल प्लेयर हाथ में टैब लेके उसको कंट्रोल करता रहेगा, ठीक है ना। अब समझ लो कुछ एनिमी अपार्टमेंट के टॉप पे कैंप कर रहे हैं, तो फिर आप लोग अपना क्लोन लेके जाके चेक कर सकते हो कि कौन बंदा कहाँ पे कैंप कर रहा है। और जो आपका क्लोन है ना, वो यार वो गोली नहीं चला सकता, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका हुक है, वो जो आपका क्लोन है वो हुक को यूज कर सकता है। देखो यहाँ पे हुक यूज करके इधर उधर जा सकता है। एंड ये जो आपको एक वाईफाई वाला सिंबल दिख रहा है और एक बैटरी वाला सिंबल दिख रहा है, तो ये जो वाईफाई वाला सिंबल है ना, तो इसका मतलब कि ये रेंज है, मतलब कि आप ज्यादा दूर अपने क्लोन को नहीं लेके जा सकते हो। और ये जो बैटरी वाला सिंबल है, मतलब कि इसकी चार्जिंग खत्म हो रही है, तो फिर जब इसका चार्ज खत्म होगा तो ये अपने आप ही डिसअपीयर हो जाएगा और फिर आप लोग अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग प्रॉक्सी स्काउट डिवाइस के बारे में भी समझ गए होंगे। तो चलो यार बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आपको घरों में शैडो ब्लेड, स्काई ट्रेडर हुक और प्रॉक्सी स्काउट डिवाइस ना मिले तो भाई शॉप पे आ जाना। ये शॉप के अंदर तीनों चीजें ऐड कर दी गई है। अगर आपके पास 75 कॉइन है तो आप ये तीनों चीज यहाँ से परचेस कर सकते हो। वैसे तो यार ये चीजें आपको परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये घरों में आसानी से मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो भाई शॉप से परचेस कर लेना, ठीक है। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 3 पॉइंट हो गए आने के बाद से कुछ नई चीजें होने वाली है गेम के अंदर। अब समझ लो एनिमी वगैरह अगर एक कतार में खड़े हैं, ठीक है, और आपके पास स्नाइपर है, तो फिर आप आगे वाले एनिमी को मारते हो तो फिर भाई पीछे वाले एनिमी को भी डैमेज होने वाला है। तो देख रहे हो भाई, राइट साइड में एनिमी का मैंने हेल्थ वाला बार लगा दिया था। फिर आप लोग देख सकते हो कि 2 एनिमी नॉक हुए हैं और भाई तीसरे को डैमेज भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि फटाफट से एक दूसरे को रिवाइव ले लो, और मैं वापस से एक बार यही सी चेक करूंगा कि अब कितने बंदे नॉक होते हैं, ठीक है ना। तो उन लोग अभी रिवाइव हो रहे हैं। तो यार वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, क्योंकि यार बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया है ये वीडियो बनाने में। तो खैर यहाँ पे इन लोग रिवाइव हो चुके हैं, तो यार वापस से इनको एक बार मैं मारता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। तो देख रहे हो भाई, अब की बार भाई 3 के 3 बंदे नॉक हो गए हैं भाई। और किल फील्ड देख रहे हो भाई, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि भाई एक साथ 2-3 बंदे मारे हैं अपन ने। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अगर एक कतार में बंदे हैं और आप स्नाइपर से उनको मारते हो, ठीक है, तो फिर भाई उसके जो पीछे है ना बंदा, उसको भी डैमेज होगा और जो उसके पीछे उसको भी होगा। मतलब ऐसे अगर 4 बंदे हैं तो 3 बंदों को डैमेज होगा और चौथे का तो भाई बाल भी बाका नहीं होगा, ठीक है। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
तो मेरे भाई पहले क्या होता था कि आप गाड़ी चला रहे हो तो फिर आप हीलिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन 3.0 के बाद से अब जो ड्राइवर है वो भी हीलिंग कर पाएगा, मतलब कि बैंडेज, एनर्जी ड्रिंक, पेन किलर और सिरिंज गाड़ी चलाते चलाते मार सकता है ये सारी चीज़ें। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और यहाँ पे बैंडेज भी मार रहा हूँ, तो फिर आप यहाँ से ड्रिंक ले सकते हो, पेन किलर ले सकते हो, सिरिंज ले सकते हो, हाँ फर्स्ट एड किट, मेडिकिट, ये बड़ी वाली किट गाड़ी चलाते चलाते नहीं मार सकते, लेकिन आप सिरिंज, पेन किलर, एनर्जी ड्रिंक और बैंडेज ये गाड़ी चलाते चलाते मार सकते हो, मतलब कि अब ये सारी चीज़ें ड्राइवर भी यूज़ कर सकता है। अब भाई आपको एरेंगल मैप में स्कूटर भी देखने को मिल जाएंगे, और ये जो स्कूटर है इसकी भी अपन स्पीड चेक करेंगे, और जो इसके ऊपर बैठने का तरीका है ना वो काफ़ी फनी है। ठीक है, तो आओ अब इसकी स्पीड चेक कर लेते हैं और इसको अब भगाते हैं। ठीक है, और जब आप इसको लेफ्ट राइट लोगे ना तो यार ये काफ़ी ज़्यादा लहरा जाएगा, मतलब कि यार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तो इसको यार एकदम स्ट्रेट ही चलाना। ठीक है ना, तो अब इसको फाइनल भगा के इसकी स्पीड चेक कर लेते हैं, और ये 89 प्लस नहीं जाएगा क्या? हाँ ठीक है भाई, ये 90 चला गया है और ये 90 प्लस नहीं जा रहा है, मतलब कि इसकी टॉप स्पीड 90 रहने वाली है, और ये जो अपना स्कूटर है इसका हेल्थ काफ़ी कम रहने वाला है, ये 10-20 गोली में ही फूट जाएगा, तो इसको एक बार फोड़ के देख लेते हैं। तो ये एकदम से ही, हाँ ठीक है भाई, ये 10 ही गोली में फूट गया है, मतलब 10-11 गोली में ही फूट गया है, तो यार ये स्कूटर का हेल्थ जो है बहुत कम रहने वाला है, तो यार अपने हिसाब से इसको चलाना। ठीक है, तो यार आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और भाई ये आज तक की मेरी सबसे लंबी वीडियो है, और इस वीडियो में यार काफी ज्यादा टाइम लग गया, तो यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, एंड अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे INDE अमोल को फॉलो नहीं करा है तो यार फॉलो जरूर से कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर वाली जो लिंक मिलेगी वो इंस्टाग्राम की मिल जाएगी, वहीं से जाके आप फॉलो कर सकते हो। बस भाई 5000 फॉलोअर्स करवा दो भाई, इंस्टाग्राम पे 2000 पहले से ही है, बस आपको 3000 और करने हैं भाई। ठीक है, तो यार अभी तो मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन इस वीक एक्टिव हो जाऊंगा और सभी को रिप्लाई मिलने लगेंगे। ठीक है, तो यार जरूर से फॉलो कर लेना, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।